जय श्री कृष्ण। मैं हूं अनुराग और आपका स्वागत है अनुराग सचवाले में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कंबस्ट प्लैनेट्स के बारे में, अस्त अवस्था वाले प्लैनेट्स के बारे में, जीरो डिग्री में जो प्लैनेट्स होते हैं उनके बारे में, और जो मृत अवस्था में होते हैं उनके बारे में। दोस्तों अक्सर माना गया है, बुक्स में भी लिखा हुआ है कि अस्त अवस्था में प्लैनेट्स रहने पे, जीरो डिग्री में रहने पे अगर उनमें बलाबल ना हो तो प्लैनेट्स बिल्कुल रिजल्ट नहीं देते। लेकिन दोस्तों जितना मैंने प्रैक्टिकली कुंडलीज देखी है, जितने भी कुंडलियों का मैंने विश्लेषण किया है, तो उसमें से जो कुंडलीज मैंने देखी है उसमें मैंने देखा है कि अगर प्लैनेट जीरो डिग्री में भी हो, कंबस्ट भी हो, लेकिन अगर वो होरोस्कोप में स्ट्रांगली सिचुएटेड हो तो बेस्ट रिजल्ट देता है। उसको डिग्री से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। उसकी केस स्टडी मैं आज आपके सामने रखने वाला हूँ। दोस्तों आप बर्थ डिटेल्स नोट कर लीजिए। ये बर्थ डिटेल्स है मिस्टर ए की। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 16 मई 1994, 5:30 AM नागपुर। ये मिस्टर ए की डेट ऑफ बर्थ है। दोस्तों आप देख सकते हो इनकी कुंडली में सबसे कारक प्लैनेट कौन है। हर किसी की कुंडली में सबसे कारक प्लैनेट होता है लग्नेश। लग्नेश से कारक दूसरा कोई भी नहीं होता। दोस्तों यहाँ पे मार्स सबसे कारक है। और अगर आप आपके सॉफ्टवेयर में ये कुंडली खोल के देखोगे तो आपको दिखेगा यहाँ मार्स जीरो डिग्री में बैठा है। और फिर कौन सा कारक प्लैनेट है कुंडली का। दोस्तों अगर आप फोर्थ हाउस पे देखेंगे तो मंगल का मित्र है चंद्र, और चंद्र भी यहाँ पे जीरो डिग्री में बैठा हुआ है। दोस्तों आ जाते हैं इनके सेकंड हाउस पे। दोस्तों इनका सेकंड नॉट जो बनता है, धन भाव का नॉट जो बनता है, वो बनता है शुक्र। दोस्तों शुक्र आप देख सकते हो इनका थर्ड हाउस में है, ये भी जीरो डिग्री में बैठा हुआ है। तो दोस्तों आप यहाँ पे जितने भी इनकी कुंडली में कारक प्लैनेट देखोगे, हाँ, और हम देखते हैं इनके विद्या भाव का प्लैनेट जो इनका सन है, फिफ्थ हाउस का लॉर्ड जो इनका सन बनता है वो सेकंड हाउस में जाके बैठा है, वो एक डिग्री पे बैठा है। दोस्तों इनकी कुंडली में जितने भी प्लैनेट्स है, जो कारक है, जो बहुत शुभ प्लैनेट्स है, वो सबके सभी जीरो डिग्री पे है या तो एक डिग्री पे है। एक पे भी सिर्फ सन ही है, बाकी तो जीरो डिग्री पे। हाँ, इनका जो भाग्य जुपिटर है वो यहाँ पे सेवेंथ हाउस में आया हुआ है, वो 14 डिग्री पे है, वो बहुत अच्छे डिग्री में है। लेकिन बाकी जितने भी इनके प्लैनेट्स है सभी जीरो डिग्री पे, सीधा अस्त है, मृत अवस्था में, और 1 डिग्री पे। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, ये जो मिस्टर ए है ये बहुत बड़े हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, इनकी फॉरेन जर्नीज बहुत ज्यादा होती है, और पूरे एशिया में, इंडिया में बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, इलावती हॉस्पिटल्स में, ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल से लेके जितने भी दुबई के हॉस्पिटल्स है, और एशिया में जहां जहां बड़े हॉस्पिटल्स रहते हैं वहां पे ये काम करते हैं, और बहुत अच्छे पोस्ट पे वहां पे काम कर रहे हैं। इनकी जर्नीज भी बहुत होती है। इनके लाइफ में शुक्र जीरो डिग्री के होने के बाद में भी लग्जरीज की कोई भी बिल्कुल भी कमी नहीं है। ना तो इनकी रिलेशनशिप में कोई कमी है, ना इनके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है, ना इनके पैसों में कोई प्रॉब्लम है। ऐसा क्यों? दोस्तों आप देख सकते हो, जैसा कि मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, अस्त प्लैनेट्स, जीरो डिग्री वाले प्लैनेट्स, मृत अवस्था वाले प्लैनेट्स बिल्कुल रिजल्ट देते हैं, मतलब देते हैं। लेकिन वो कब देते हैं, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है। अगर आपकी कुंडली में कोई भी प्लैनेट अस्त हो चाहे ना हो, अगर वो स्ट्रॉन्गली मित्र राशि में सिचुएटेड है, खुद की राशि में सिचुएटेड है, तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। आप देख सकते हो इनका लग्नेश खुद लगन भाव में बैठे, इसको अच्छा रिजल्ट देना ही है चाहे ये कोई भी डिग्री में हो। इसलिए बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स में कहता हूँ सीधा लग्न कुंडली लेते हैं, जीरो डिग्री रहा वो डिग्री रहा कोई देखते नहीं, लग्न कुंडली लेके रिजल्ट दे देते हैं कि आपको क्या मिलने वाला है। तो वो रिजल्ट ऐसे होते हैं, वहां पे डिग्रीज नहीं देखी जाती। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे मंगल इनका फर्स्ट हाउस में है, खुद की राशि में, जीरो डिग्री देने के बाद में भी बहुत स्ट्रांग है वो रिजल्ट देगा। चंद्र जीरो डिग्री में, फोर्थ हाउस में, खुद के हाउस में, तो यहाँ पे भी वो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। दोस्तों इनकी जो जर्नीज होती है वो नॉर्मली एशिया में होती है। एशिया के बाहर तो इन्होंने वर्ल्ड टूर पूरा किया है, लेकिन एशिया में इनकी जर्नी बहुत होती है। आप दोस्तों देख सकते हो इनका जो सेकेंड हाउस है इसका लॉर्ड बनता है वीनस, वो यहाँ पे आ गया थर्ड हाउस में, थर्ड हाउस का लॉर्ड बनता है मर्क्यूरी, वो यहाँ चला गया सेकेंड हाउस। तो इनका एक्सचेंज हुआ है सेकेंड और थर्ड हाउस में, इनका एक्सचेंज हुआ है। और सेकेंड हाउस होता है धन का, थर्ड हाउस होता है शॉर्ट जर्नीज का। तो शॉर्ट जर्नीज की बात करेंगे तो आज के जमाने में, करंट एज में, हमें एस्ट्रोलॉजी देश काल देख के की जाती है, तो एशियाई शॉर्ट जर्नीज ही माना जाता है, ये कुछ बड़ी जर्नीज नहीं माना जाता। लेकिन क्योंकि इनका जो 12th लॉर्ड है और 9th लॉर्ड है जुपिटर, वो बहुत अच्छे पोजिशन में है, तो इन्होंने वर्ल्ड टूर भी किया हुआ है, इनके लिए फॉरेन जर्नीज बहुत छोटी सी बात है। और चंद्र फॉरेन का कारक होता है, तो इनका चंद्र भी स्ट्रांग है, जीरो डिग्री में रहने के बाद में भी स्ट्रांग है।
दोस्तों अब इनकी बात करते हैं कि पढ़ाई की। पढ़ाई में ये बहुत ज्यादा आगे है, मेडिकल एजुकेशन में ये डॉक्टर है, बहुत अच्छे पोस्ट पे है। दोस्तों आप देख सकते हो, हम कहते हैं मारक प्लैनेट अगर स्ट्रांग हो जाता है तो बुरे रिजल्ट देता है। मैंने कहा था मारक प्लैनेट अगर स्ट्रांग हो तो बुरे रिजल्ट नहीं देगा, मारक प्लैनेट अगर वीक होता है तो ही वो बुरे रिजल्ट देगा। ये कुंडली में दोस्तों आप देख सकते हो सैटर्न जो होता है वो थ्री डैश है और वो यहाँ पे मारक बन रहा है, लेकिन ये यहाँ पे सेवन एस्पेक्ट इनके फिफ्थ हाउस पे डाल रहा है। फिर भी उसने बुरा क्यों नहीं किया? दोस्तों उसने बुरा इसलिए नहीं किया क्योंकि सैटर्न यहाँ पे खुद के राशि में, आप देख सकते हो यहाँ पे सैटर्न एक्वेरियस में, एक्वेरियस और कैप्रिकॉर्न ये सैटर्न की राशि होती है। यहाँ पे सैटर्न बहुत स्ट्रांग माना गया है, उनकी वो बोल त्रिकोण राशि और स्व राशि होती है। तो दोस्तों यहाँ सैटर्न आप देख सकते हो स्ट्रांग पोजिशन में, अगर दोस्तों सैटर्न यहाँ की जगह यहाँ होता तो बुरे रिजल्ट देता क्योंकि वो फिफ्थ हाउस को देख के बुरे रिजल्ट देता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे वो स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है, मारक प्लैनेट का बहुत स्ट्रांग रहना जरूरी है तो वो बुरे रिजल्ट इनको नहीं दिए। ये पढ़ाई में भी बहुत होशियार है और क्योंकि इनका चंद्र स्ट्रांग है, चंद्र में माइंड का राज होता है, जीरो डिग्री में रहने के बाद भी स्ट्रांग है, इसलिए इनको कुछ भी बुरे रिजल्ट नहीं मिले और इनका हॉरोस्कोप बहुत स्ट्रांग बनता है, जबकि इनके प्लैनेट बहुत सारे जीरो डिग्री में है और अस्त अवस्था में भी है। दोस्तों जैसे कि अभी हमने बात किया मिस्टर ए के बारे में, अब हम बात करते हैं मिस्टर बी के बारे में, क्योंकि एक होरोस्कोप से एनालिसिस करना ठीक नहीं होता, इसके लिए हमें बाकी होरोस्कोप भी देखने पड़ते हैं। तो ये दो स्ट्रांग होरोस्कोप मेरे पास में है इसलिए मैंने आपको बताया। दोस्तों मिस्टर बी की डेट ऑफ बर्थ है 12 अक्टूबर 1991 6:02 AM औरंगाबाद, 12 अक्टूबर 1991 7:02 AM औरंगाबाद। दोस्तों ये इनकी डेट ऑफ बर्थ है, आप नोट कर लीजिए, आपके सॉफ्टवेयर में ओपन कर लीजिए इसे। दोस्तों ये कुंडली जैसे ही हम देखते हैं तो ये कुंडली देखिए बराबर हमें क्या लगता है, हमें यहाँ देखते हैं हम इनका जो कर्म स्थान का स्वामी है चंद्र, देखिए यहाँ पे नीच का दिखता है हमें, कर्म स्थान का स्वामी यहाँ पे हमें नीच का दिखता है। दोस्तों और क्या दिखता है हमें यहाँ पे, और अगर दोस्तों हम यहाँ देखेंगे तो लाभ भाव का स्वामी 12th हाउस में गया हुआ है इनका, इनका कर्म स्थान का स्वामी जो है 10th हाउस का लॉर्ड है वो भी नीच का है। तो और भाग्य, दोस्तों मेरा ये काम नहीं है अभी कि ये कुंडली का विश्लेषण किया जाए, मैं विश्लेषण नहीं करने वाला हूँ, मैं सिर्फ इतना बताने वाला हूँ क्योंकि हमारा टॉपिक सिर्फ अस्त प्लैनेट्स पे, कंबस्ट प्लैनेट्स पे, तो हम उसी पे सिर्फ डिस्कस करेंगे। दोस्तों यहाँ पे इनका जो बुध है, ये जो मर्क्यूरी है, तो इनका मर्क्यूरी जीरो डिग्री में बैठा हुआ है। दोस्तों इनका मर्क्यूरी जीरो डिग्री में बैठा है, भाग्य जीरो डिग्री में बैठा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जैसे ही इनका इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ, इन्होंने MBA किया और इनको स्टार्टिंग का पैकेज ही फर्स्ट टर्म में इनको 12 लाख का पैकेज मिल गया। अभी रिसेशन आया हुआ है, इंजीनियरिंग फील्ड में बहुत रिसेशन है, सिर्फ IITs वालों को अच्छे करियर मिल रहे हैं, लेकिन इनको स्टार्टिंग में ही फर्स्ट ईयर में ही 12 लाख का 12 लाख का पैकेज इनको फर्स्ट साल में ही मिल गया। तो दोस्तों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक तो इनका भाग्य भी जीरो डिग्री में है, दूसरा इनका कर्म स्थान का स्वामी भी नीच का पड़ा है, इनका लाभ भाव का स्वामी भी 12th में गया है, फिर भी ऐसा क्यों हुआ? मैं सिर्फ अभी आपको शॉर्ट में बताता हूँ। दोस्तों उसमें और एक बात बताने लायक ये है कि इनकी तब केतु की महादशा शुरू थी, इनको जब पैकेज मिला, अभी तो बढ़ गया होगा, इनकी केतु की महादशा चालू थी फिर भी इनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, ऐसा क्यों? दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो केतु यहाँ पे बैठा है बुध की राशि में। दोस्तों जो केतु का डिस्पोजिटर है वो है बुध, और बुध है इनका भाग्येश। तो दोस्तों केतु की भी रिजल्ट बुध के जैसे हो जाते हैं, फिर हमें नक्षत्रों में भी देखना पड़ता है, वो बात कुछ और होगी, लेकिन हमें आज सिर्फ यहाँ इतना देखना है कि इनका जो बुध है, इनका बुध जीरो डिग्री में है फिर भी इनके लक में कोई कमी नहीं है, इनका जो चंद्र है नीच का होने के बाद में भी इनको बुरे रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं दिए चंद्र ने। हाँ इनको एक प्रॉब्लम जरूर होगी क्योंकि यहाँ पे बुध और मंगल की युति है, तो उसके कारण ये सेवेंथ हाउस को देखेंगे और सेवेंथ हाउस के रिलेटेड जो भी मैटर रहते हैं उससे रिलेटेड इनको तकलीफ हुई भी और हो भी सकती है, लेकिन इनको पैसों में बिल्कुल तकलीफ नहीं है कि यहाँ पे गुरु और शुक्र फिफ्थ हाउस को देख रहे हैं, इनकी विद्या बहुत अच्छी कर रही है टेक्निकल लाइन से, पिछले एग्जाम्पल मेडिकल लाइन से था। तो दोस्तों जीरो डिग्री का प्लेनेट रहो, चाहे अस्त रहो, कैसा भी रहो, भाग्येश का लग्न में आना ही बहुत बड़ा राजयोग है। जब भाग्येश लग्न में आ जाता है ये बहुत बड़ा राजयोग है, उसमें आ गया मित्र की राशि में, शुक्र की राशि में, मित्र की राशि में आ गया, मान लेते हैं मित्र नाम भी होता, लेकिन भाग्येश का लग्न में आना एक बहुत बड़ा राजयोग है, लग्न का भाग्य स्थान में जाना बहुत बड़ा राजयोग है। चाहे फिर प्लेनेट अगर अगर लग्न अगर लग्नेश भाग्य स्थान पे बैठ जाए, नीच का भी हो जाए, फिर भी ये राजयोग है।
हमें उसे स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, थोड़ा ज्यादा नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत कर सकते हैं क्योंकि नेचुरल प्लैनेट नेचुरल ही रहते हैं, लेकिन ऐसे टाइम पे हमें थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, लेकिन एक बहुत बड़ा राजयोग रहता है। लग्नेश का भाग्य स्थान पे जाना, भाग्य स्थान के स्वामी का लग्न में आना बहुत बड़ा राजयोग है, चाहे वो कोई भी डिग्री में रहो, 0 डिग्री में रहो, अस्त रहो सूर्य के साथ, अस्त रहो मृत अवस्था में रहो, 28 डिग्री में रहो, वो रिजल्ट देगा, मतलब देगा। और दोस्तों फिर ये जो प्लैनेट नीच हो जाते हैं, देखो यहाँ पे आपने देखा चंद्र नीच हो चुका है, लेकिन फिर देखना पड़ता है किसके नक्षत्र में वो कैसा रिजल्ट देते, ये बात की बात होगी। तो आई होप आप लोग जो समझते होगे कि आपका भाग्य 0 डिग्री में, आपका लग्न 0 डिग्री में, आप लोग अनलकी हो, तो आपका मिसकंसेप्शन दूर हो गया होगा कि आप लोग बिल्कुल भी अनलकी नहीं हो। अगर आपका प्लैनेट स्ट्रॉन्गली सिचुएटेड है, फ्रेंड की राशि में है, फ्रेंड के साथ में है, फ्रेंड का एस्पेक्ट है, तो बिल्कुल भी पूरे रिजल्ट नहीं देगा, 100% कहता हूं आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले, उसकी डिग्री आप भूल जाएगी। मेरे साथ दोस्तों बने रहे, आपको अगर मुझसे पर्सनली कंसल्टेशन लेना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। आप सभी लोगों को जय श्री कृष्ण।